मेरी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने एक बड़ी हांडी सेरेमनी होस्ट किया है और मैं आप सबका आते हैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सब यहाँ इतनी तादाद में आए हैं। आज से मुंबई फुटबॉल अरेना मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जो मुंबई का दिल है वहाँ हमें खेलने का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं श्री आदित्य ठाकरे शिवसेना पार्टी और सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है और दुआ करूँगा कि जब ISL शुरू हो और यहाँ हमारे मैचेस हो आप सब मुंबई वाले हमारे टीम को सपोर्ट करें चीयर करें और इस साल हमें जिता लें। मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा और पहले से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ तो बुरा मत मानिएगा अगर कुछ इसमें खराब हो। आदित्य आई विल यू आशा करतो आपन सर्वे मैच बघायला भुटेया। थैंक यू। जय महाराष्ट्र जय श्री कृष्ण। बेहद खुशी हो रही है। सो थैंक यू आदित्य, थैंक यू टू शिवसेना पार्टी, टू एवरीबडी, टू BMC इन्वॉल्व। एंड यही दुआ करता हूँ कि ये साल जब ISL शुरू हो तो बड़ी जनता तादाद में आए फैंस सपोर्ट करने चेयर करने। एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल योर अगेन। मी पण सगळ्यांना जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा देतो। सर्वप्रथम रणबीरला खूप थँक यू इथे आल्याबद्दल, कारण आज दहीहंडी इथे सेलिब्रेट करतो आहे। पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रणबीर ज्या मॅचमध्ये खेळला इथे नवीन ग्राउंड जे झालेलं आहे फुटबॉलचं, त्या ग्राउंडचं आज मुंबई सिटी FC हे होम ग्राउंड करते ISL साठी। बहुत ही खुशी की बात है। और 3 तारीख को 3 सितंबर को यहाँ ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद 50 सालों के बाद इंटरनेशनल फ्रेंडली होने जा रही इंडिया वर्सेज पोर्टो रिको, तो आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।